इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 सीजन में 28 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला हुआ। इस मैच को देखने के लिए ऋषभ पंत की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थी। इन सब के बीच मैच में फैंस का पूरा ध्यान किसी और ने खींचा तो वह थी निशा नेगी, जो स्टैंड में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत के साथ बैठी नजर आई। वह दिल्ली टीम की हर कामयाबी पर जमकर चीयर करती दिखी। मैच में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की और कुलदीप यादव 4 विकेट लेकर जीत के हीरो रहे। जब मैच शुरू हुआ उस वक्त टीवी स्क्रीन पर ईशा और साक्षी को दिखाया गया। बीच में दोनों के एक दूसरे से बात करते दिखाया गया था। यूजर्स ने ईशा को भाभी तक कह दिया। बात अगर ईशा नेगी की करें तो अपने कमाल के ड्रेसिंग सेंस से बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स को मात देने वाली ईशा नेगी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। ईशा पेशे से इंटीरियर डेकोर डिजाइनर हैं। वह नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रही हैं और दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से पढ़ाई की है। ईशा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से समझा जा सकता है कि उनकी दिलचस्पी साहित्य और फिलॉसफी में है। साल 2020 की शुरुआत में ऋषभ पंत ने ईशा नेगी के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तब पंत ने खुलकर अपने इश्क का इजहार किया था। ऋषभ पंत का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ भी जुड़ चुका है। साल 2019 में वर्ल्ड कप से ठीक पहले जनवरी में ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर ईशा की फोटो शेयर की थी। तब उन्होंने लिखा था, मैं तुम्हें बस खुश रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। यहीं से दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी थी। ऋषभ पंत की पोस्ट पर जब ईशा ने जवाब दिया तो फैंस को पूरा यकीन हो गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब ईशा ने इंस्टाग्राम पर जवाब देते हुए वही तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा था, माई मैन, माई सोलमेट, माई बेस्ट फ्रेंड, द लव ऑफ माई लाइफ, ऋषभ पंत। कुछ दिन पहले जब ईशा नेगी का बर्थडे था तब ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था। जवाब में ईशा ने भी आई लव यू विश किया था। तब जब मैच की तस्वीरें वायरल हुई तो कुछ यूजर्स ने लिखा कि आज मैच देखने भाभी आई हैं, जबकि कुछ ने लिखा कि भाभी आई हैं, लेडी लक बनकर आई हैं। इस मैच में दिल्ली ने कोलकाता टीम को 4 विकेट से शिकस्त दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।